हेलो एवरीवन एंड वेलकम बैक टू सर्च सो आज के वीडियो में बात करने जा रहा हूँ इंडिया में यूज होने वाले दो फेमस प्रोटीन ब्रांड के बारे में और ये एक कंपैरिजन वीडियो है इस वीडियो में मैं कंपेयर करूंगा माय प्रोटीन इंपैक्ट वे प्रोटीन को और नेचुरल टीन वे प्रोटीन कंसंट्रेट को सो तो मेरे हाथ में माय प्रोटीन का जो पैकेट है इसमें कुकीज एंड क्रीम फ्लेवर है और जो नेचुरल टीं का पैक है उसमें कोकोनट फ्लेवर है सो so, आज के वीडियो में मैं कम इन दोनों प्रोटीन को कंपेयर करूंगा कुछ एस्पेक्ट के ऊपर सो so, पहला है प्रोटीन कंटेंट प्राइस पर ग्राम ऑफ प्रोटीन टाइप ऑफ इंग्रेडिएंट्स यूज क्वालिटी ऑफ द प्रोटीन और माय ओवरऑल एक्सपीरियंस सो शुरू करते हैं माई प्रोटीन के इम्पैक्ट वे प्रोटीन कुकीज एंड क्रीम फ्लेवर वे प्रोटीन से सो so, बात की जाए इसके पर स्कूप की तो इसका एक स्कूप का साइज जो है वो 25 ग्राम्स है और उसके हर स्कूप में हमें मिलता है 19.75 ग्राम्स ऑफ प्रोटीन जिसे आप कैलकुलेट करेंगे तो वो आएगा 79% परसेंट ऑफ प्रोटीन और ये इसके एक केजी के पैकेट में आपको मिलता है 40 सर्विंग्स और इसके एक केजी का पैक है ऑलमोस्ट 3299 रुपीज। तो इसका अगर आप पर ग्राम ऑफ प्रोटीन कॉस्ट कैलकुलेट करेंगे तो वो आपको आएगा ऑलमोस्ट 4.17 रुपीस पर ग्राम ऑफ प्रोटीन और इसके वेबसाइट पे कई सारे आपको डिस्काउंट कूपन में मिल जाएंगे तो मैं, मैंने जब वेबसाइट पे चेक किया बहुत सारे डिस्काउंट कूपन लगा के देखा तो इसका एक के का पैक हमें मिल रहा है ट्वेंटी नाइन का और अगर आप इवन डिस्काउंटेड प्राइस के ऊपर इसका प्राइस पर ग्राम ऑफ प्रोटीन कैलकुलेट करेंगे तो वो आपको कैलकुलेट होकर आएगा 3.75 पॉइंट पर ग्राम ऑफ प्रोटीन विच बिट हाई अब बात की जाए नेचुरल नैचुरटीन के प्रोटीन कंटेंट के बारे में तो इसका जो प्रोटीन कॉन्टेंट इसका थर्टी ग्राम्स का एक सर्विंग साइज है इसके पर स्कूप में आपको मिलता है ट्वेंटी टू ग्राम्स ऑफ प्रोटीन जो जो आप कैलकुलेट करेंगे तो ऑलमोस्ट सेवेंटी थ्री परसेंट के लगभग आएगा और इसका अगर आप प्रोटीन कॉस्ट कैलकुलेट करेंगे पर ग्राम ऑफ प्रोटीन तो इसके एक के के पैक में आपको मिलता है थर्टी सर्विंग जिससे आपका पर ग्राम ऑफ प्रोटीन का कॉस्ट निकल के आता है थ्री पॉइंट एट रुपीज और अगर आप इसके वेबसाइट पे डिस्काउंट कूपन लगाएंगे स्पेशली अगर आप मेरा डिस्काउंट कूपन लगाएंगे स्वर्ट सोल तो उसके ऊपर आपको काफ़ी सारा डिस्काउंट मिल जाएगा और उस डिस्काउंट के ऊपर जो इसका इफेक्टिव प्राइस होगा वो होगा ट्वेंटी फोर हंड्रेड फिफ्टी फाइव रुपीज़ तो so, अगर आप डिस्काउंटेड प्राइस के ऊपर इसका अगर कॉस्ट ऑफ पर ग्राम ऑफ प्रोटीन कैलकुलेट करेंगे तो आपको वो कैलकुलेट करके आएगा थ्री पॉइंट थ्री एट रुपीज़ सो so, यहाँ पर हमने पहला और दूसरा क्राइटेरिया जो था पर कैलकुलेशन uh, का वो मैंने बता दिया कि माई प्रोटीन का पर ग्राम ऑफ प्रोटीन का कॉस्ट आपको इवन आफ्टर डिस्काउंट निकल के आ रहा है थ्री पॉइंट सेवन फाइव रुपीज़ पर ग्राम और नेचुरल टीन का पर ग्राम प्रोटीन का कॉस्ट आ रहा है थ्री पॉइंट थ्री एट रुपीज़ पर ग्राम ऑफ प्रोटीन और आपने अगर आप मेरे वीडियो में पहले देखा होगा तो मैंने नेचुरल टीन और माई प्रोटीन के बहुत सारे लैब टेस्ट uh, वीडियो बनाए हैं और उनमें दोनों में जितना भी कंपनी क्लेम कर रही है वो एज इट इज़ आया है या उससे ज़्यादा आया है किसी में भी इससे कम नहीं आया है सो so, uh, प्रोटीन कंटेंट के बारे में रेस्ट अश्योर रहे हैं क्योंकि दे आर रिनोन ब्रांड और अच्छा जितना प्रोटीन ये प्रॉमिस करते हैं वो अपने हर स्कूप में उतना डिलीवर करते हैं नेक्स्ट कंपैरिजन का जो पैरामीटर था इंग्रेडिएंट्स यूज इन दिस प्रोटीन सो माय प्रोटीन का अगर आप इंग्रेडिएंट्स देखेंगे तो इसमें आपको मिलेगा वे प्रोटीन कॉन्सेंट नेचुरल एंड आर्टिफिशियल फ्लेवर्स भी हैं इसमें क्योंकि कुकीज़ एंड क्रीम फ्लेवर ये प्रोटीन है तो इसमें कुछ नेचुरल और कुछ आर्टिफिशियल फ्लेवरिंग एजेंट भी इसमें मिक्स किया गया है और थर्ड है इसमें यूज किया करने जाने वाला स्वीटनर तो इसमें सुख्रलोज का यूज हुआ है सुख्रलोज अगर आप नहीं जानते तो मैं बता दू सुख्रलोज एक जीरो कैलोरी स्वीटनर है बट ये एक आर्टिफिशियल स्वीटनर है विच मीन्स की ये एक लैब में बनता है और ये नेचुरल नहीं है बात की जाए नेचुरल टीन के इंग्रेडिएंट्स की तो इसका इंग्रेडिएंट्स है वे प्रोटीन कॉन्सेंट्रेट और इसमें जो यूज किया हुआ जो फ्लेवरिंग एजेंट है वो नेचुरल है नेचुरल फ्लेवर्स यूज किए गए है कोकोनट मिल्क पाउडर यूज किया गया इसके फ्लेवरिंग के लिए अगर बात की जाए इसके स्वीटनर की तो इसके स्वीटनर में यूज किया गया है स्टीविया अगर आपको स्टीविया पता नहीं तो स्टीविया एक प्लांट बेस्ड नेचुरल स्वीटनर है और उसमें भी जीरो कैलोरी होती है सो अगेन कंपेयरिंग बोथ ऑफ इंग्रेडिएंट्स इसमें कॉमन है वे प्रोटीन कॉन्सेंट्रेट बट यूज़ किया जाने वाला जो फ्लेवरिंग एजेंट है वो इसमें आर्टिफिशियल है और इसमें नेचुरल है इसमें यूज़ किया जाने वाला जो स्वीटनर है सुक्रोज वो भी आर्टिफिशियल है और इसमें यूज़ किया जाने वाला जो स्वीटनर है स्टीविया वो नेचुरल है सो दिस वॉज कंपेरिजन अबाउट इन्ग्रीडियट थर्ड में बात करूँगा इसके मिक्सिबिलिटी एंड डाइजेस्टिबिलिटी के बारे में तो so, बात की जाए माई uh, प्रोटीन के डाइजेस्टिबिलिटी uh, और मिक्सिबिलिटी के बारे में मैं जनरली इससे वर्कआउट के जस्ट बाद वाटर में कंज्यूम करता हूँ कभी कभी मिल्क में भी कंज्यूम करता हूँ तो वाटर के साथ इसकी मिक्सिबिलिटी है वो अमेजिंग है विद इन टी फिफ्टीन टू ट्वेंटी सेकेंड बहुत ही क्विकली डिजोल्व हो जाता है वाटर में और बहुत स्मूथ प्रोटीन शेक बना के देता है बट जब मैंने इसे यूज़ किया मिल्क के साथ तो इस सॉलिबिलिटी उसमें में मुझे थोड़ी सी इश्यू लगी क्योंकि मिल्क के साथ मुझे ये अच्छे से मिक्स होते हुए नहीं दिखा। और बात की जाए इसके आ, टेस्ट और डाइजेस्टिबिलिटी की क्योंकि टेस्ट इसका दिस इज़ इस कुकीज़ एंड क्रीम सो so, ऑब्वियसली टेस्ट इसका बहुत ही अमेजिंग है डायजेस्टिबिलिटी भी इसकी बहुत अच्छी है कि मुझे किसी भी तरह के इसमें यूज़ करके ब्लोटिंग नहीं हुई नेक्स्ट बात करूँगा मैं नेचुरलटीन के वे प्रोटीन के बारे में तो इसकी भी डायजेस्टिबिलिटी और मिक्सिबिलिटी अमेजिंग है और इसका एक प्लस पॉइंट मुझे ये लगा कि ये वाटर के साथ बहुत अच्छे से मिक्स होता ही है साथ ही साथ ये मिल्क के साथ भी बहुत ही स्मूथली मिक्स हो जाता है और एक बहुत ही डिलीशियस प्रोटीन शेक बन के रेडी होता है इसकी भी डायजेस्टिबिलिटी बहुत अच्छी है किसी भी तरह की ब्लोटिंग आपको नहीं होगी यूज़ करने पर अब नेक्स्ट बात करेंगे दोनों की क्वालिटी के बारे में क्वालिटी क्योंकि मैंने तो अपना लैब टेस्ट कराया था बट क्वालिटी की बात करेंगे कि थर्ड पार्टी जो टेस्टिंग हुई है उसमें इसका क्या रिजल्ट आया है माई प्रोटीन के वेबसाइट या इसके प्रोडक्ट के ऊपर मुझे कुछ स्पेसिफ़िक डिटेल नहीं मिल पाया कि इसको कौन कौन तरीके के सर्टिफिकेशन इन्होंने करवाया है और इसलिए सर्टिफिकेशन पॉइंट ऑफ व्यू से मुझे माई प्रोटीन के बारे में ज़्यादा आइडिया नहीं है क्योंकि ना ही इसके वेबसाइट पे ना ही इसके प्रोडक्ट के ऊपर सर्टिफिकेशन का किसी भी तरह का डिटेल मुझे मिला है अगर आपको मिला हो तो मुझे कमेंट सेक्शन में बताएं बात की जाए नेचुरल टीन की तो नेचुरल टीन के पास बहुत से सर्टिफिकेशन है पहला है जर्मनी का क्लोनलेस सर्टिफिकेशन दूसरी सर्टिफिकेशन है एक फ्री और तीसरी सर्टिफिकेशन इंडिया में भी जो ब्लाइंड टेस्टिंग करते हैं ट्रस्टिफाइड ट्रस्टिफाइड की तरफ से भी भी ये सर्टिफाइड है अब लास्ट बात करेंगे मेरे पर्सनल एक्सपीरियंस के बारे में तो मैं अगर आपने मेरी वीडियो को फॉलो किया होगा तो आपको पता होगा कि मैं जनरली नेचुरल टीम यूज़ करता हूँ बट फॉर अ चेंज इन सप्लीमेंट या फॉर टेस्टिंग पर्पस मैं अलग अलग प्रोडक्ट भी यूज़ करता रहता हूँ तो इसी के लिए मैंने इस बार माई प्रोटीन ऑर्डर किया है फॉर द सेक ऑफ टेस्टिंग और माय पर्सनल व्यूज़ हैं कि माय प्रोटीन का इंपैक्ट वे प्रोटीन थोड़ा कॉस्टली है और uh, इसमें यूज़ होने वाले जितने भी इन्ग्रीडियंट्स uh, हैं वो सभी नेचुरल नहीं है कुछ आर्टिफिशियल स्वीटनर भी है कोई आर्टिफिशियल फ्लेवरिंग एजेंट भी है बट एज़ पर द इसका जो रिज़ल्ट है दैट इज़ गुड दैट इज़ सेटिसक्ट्री इसमें uh, किसी भी तरह की आपको यूज़ करने के बाद ब्लोटिंग नहीं मिलेगी आप यूज़ करेंगे तो आपको अच्छा रिकवरी uh, आपको मिलेगा वर्कआउट uh, के बाद और आ, साथ में बात की जाए नैचुरल टीम की तो नेचुरल टीम मैं बहुत रेगुलरली यूज़ करता हूँ और आ, मुझे काफ़ी पॉजिटिव आ, हेल्थ बेनिफिट मुझे लगता है और क्योंकि इसमें सभी प्रोडक्ट जितने भी इस पैकेट के अंदर हैं वो सभी नेचुरली अक्रिंग है तो मुझे इसे यूज़ करके एक आ, इंटरनल सेटिस्फैक्शन भी लगता है कि मैं किसी भी तरह का लैब बेस्ड आर्टिफिशियल स्वीटनर या आर्टिफिशियल फ्लेवरिंग एजेंट तो नहीं यूज़ कर रहा हूँ तो आ, मुझे आ, थोड़ा ज़्यादा सेटिस्फैक्शन मिलता है नेचुरल टीन यूज़ करके आज के वीडियो में इतने ही दैट वॉज ऑल अबाउट कंपेरिजन बिटवीन माई प्रोटीन एंड नैचुरल टीन वीडियो अच्छी लगी हो तो लाइक करें शेयर करें चैनल को सब्सक्राइब करें और कोई किसी भी तरह का क्वेश्चन हो तो मुझे कमेंट बॉक्स में पूछें थैंक यू नाइस डे